हेलो गाइज, वेलकम टू द ट्रेड जोन। दोस्तों आज है 28 मई और आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। तब से मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज ही है। थोड़ा बहुत मोमेंट निफ्टी में हुआ था, जो कि जैसा कि देख सकते हो अभी फिलहाल ये अपने देख सकते हो कि पूरी तरीके से साइडवेज है। मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लाइव भी था, उस टाइम तक कोई भी ट्रेड नहीं बना था। बहुत देर तक वेट किया था कोई ट्रेड लेने का, लेकिन कोई ट्रेड नहीं बना। अभी आप फिलहाल आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है अपने ट्रेड लाइन को बार बार फॉलो कर रहा है, बार बार ट्रेड लाइन के पास जा रहा है, यहाँ से बार बार नीचे गिर रहा है। यहाँ देख सकते हो कल यहीं से ये फॉल हुआ था, फिर ये आज ओपन हुआ है, फिर यहाँ पे ये गया है, फिर से नीचे फॉल हुआ है, फिर से ये ऊपर गया, फिर से फॉल हुआ है, फिर से ये ऊपर यहाँ पे भी है, फिर से ये फॉल हुआ है। देखते हैं अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा आज कोई ट्रेड लेने का, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। अगर मार्केट सही रहा तो हम लोग जरूर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। गाइज अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोगों ने कोई डीमैट अकाउंट डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि मैं एक तरफ निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा हूं। यहां पे निफ्टी का प्रीमियम है, ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है, और एक साइड मैं बैंक निफ्टी का भी ओपन करके रखा। देखता हूं जैसे ही ट्रेड मिलेगा मैं यहीं पे एग्जीक्यूट करूंगा और आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे कोई सेटअप मिलता है मैं वहां पे ट्राई करता हूं ट्रेड लेने का। फिर निफ्टी का प्रीमियम बहुत ही सही गया है, मैं सोच रहा हूं अब यहां पे बाई कर लूं, यहां पे मैं पुट बाई करूंगा 17 रुपए के आसपास। दो लॉट से मैं पुट बाई कर रहा हूं अभी, थोड़ा सा और ऊपर आने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे चांस लग रहा है। चलो मैंने दो लॉट पुट बाई कर लिया है, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर निफ्टी में मैंने बाई किया है, यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ SL 10 रुपये के आसपास मैंने लगाया है, 7 रुपये का SL है। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल देखो तो इतना बड़ा रिजेक्शन लगा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट में एंट्री बनाया है, और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। इतना बड़ा रिजेक्शन लगा है तो थोड़ा सा और में भी नीचे आ सकता है, इसी वजह से मैंने इसमें लिया है। चलो देखते हैं, दो लॉट है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ज़्यादा देर इसको होल्ड नहीं करेंगे, 10 रुपये के आसपास का मेरा SL है, छोटा सा SL है, ज़्यादा बड़ा SL नहीं है, ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास का SL है, 7 साढ़े 7 रुपये के आसपास का। देखते हैं क्या करता है। अभी मार्केट यहाँ पे रुक गया है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा है अभी। चलो देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, बहुत ही बड़ा ये कैंडल बना था और रिजेक्शन तो थोड़ा बहुत लेगा ही, इसलिए मैंने लिया था। और प्रीमियम काफ़ी छोटा है तो यही देख के मैंने और भी लिया था कि प्रीमियम छोटा है, देखते हैं क्या होता है। 17 रुपये के आसपास आ गया है, 22 रुपये पे मैंने लगाया था लिमिट, लेकिन 22 रुपये पे मैंने लिया नहीं। चलो देखते हैं क्या करता है। 14 रुपये के आसपास आ गया है और ये गड़बड़ हो रहा है, ये मार्केट सही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सोच रहा हूँ मैं दो लॉट और बाई कर लूँ यहाँ पर, क्या कहते हो, बाई कर लूँ क्या? चलो देखते हैं, अभी ज़्यादा बाई नहीं करेंगे नहीं तो फिर लॉस होगा, तो तगड़ा लॉस हो जाएगा। चलो देखते हैं, अभी 14 रुपये के आसपास प्रीमियम आ गया, बहुत कम हो गया है प्रीमियम हमारा, 14:35 के आसपास आ गया है, और ये फिर से ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है भाई, ये ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मेरे को लग रहा है निकलना चाहिए यहाँ से। स्टॉप लॉस को हटा दूं क्या? तो ये लॉस दे देगा, मैं स्टॉप लॉस को हटा दे रहा हूँ मैन्युअली, इसको यही करूँगा क्योंकि स्टॉप लॉस लगाऊँ ना, स्टॉप लॉस स्पाइक लगेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसी वजह से मैं स्टॉप लॉस को हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। देखता हूँ जो भी होगा, अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ, अभी मैं भी ये जा भी सकता है। चलो बढ़िया है, अब ये आ रहा है हमारे डायरेक्शन में आ रहा है, फिर से मैं स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ, 11 रुपये के आसपास मैंने लगा दिया है। देखो लॉस छोटा सा लेना है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है, वेट करते हैं क्या ही करता है, बहुत बड़ा कैंडल बना है, थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर तो जाएगा ही, इतनी जल्दी तो ये फिर से नहीं जाएगा ऊपर इतनी जल्दी, थोड़ा सा रिटेस्ट नीचे तो आएगा ही, उसके बाद ही कहीं जाएगा और हम लोग तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर थोड़ा सा भी जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट तुरंत बुक करेंगे, ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाले हम लोग बिल्कुल भी, ठीक है। देखते हैं अभी क्या करता है। अभी 100 रुपये 125 रुपये के आसपास तो लॉस ही चल रहा है, 15-80 के पास प्रीमियम चल रहा है, 1-1.5 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि दो लॉट है तो 1 80 क्वान्टिटी के आसपास है। चलो देखते हैं क्या करता है, थोड़ा सा भी निकलेगा हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट बुक करें, अगर हमारा प्रॉफिट में जाएगा तो, वरना कोई बात नहीं है, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। एक बार भी अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरेगा ना तो बढ़िया जाएगा, लेकिन ये गिरेगा तभी तो जाएगा। चलो अभी हमारा लॉस कम हुआ है, बहुत सिंपल सा लॉजिक था इस ट्रेड का, 13 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस कर देते हैं क्योंकि ये स्कैंडल का लो पे लगा दिया है,
देखते हैं क्या करता है। मैन्युअली भी एग्जिट कर सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग बस एक स्पाइक का वेट कर रहे हैं, यहाँ से निकलेगा तो जा सकता है। चलो हम लोग का लॉस लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, लगभग 300 साढ़े 300 का लॉस हो रहा था लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट आ गया था, फिर से ये 100 रुपये पे आ गया है, मतलब 1 रुपये का इधर उधर है। हमने जो प्राइस लिया था 17 रुपये, वो 16 पे चल रहा है अप्रॉक्स। चलो देखते हैं क्या करता है, यहाँ से जाता है या नहीं जाता है। अभी फ़िलहाल ये कॉस्ट पे चल रहा है ऑलमोस्ट, देखते हैं। अब जाके ग्रीन में आया है, इतने देर के बाद ग्रीन में आया है, चलो निकल रहा है। अभी कुछ खास नहीं चल रहा है, चलो 100-150 रुपये के आसपास प्रॉफिट आ रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। इतनी जल्दी हम लोग टारगेट बुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पाइक लगेगा, मुझे पता है कि अभी जाएगा ये मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रुके हैं। अभी कम से कम 500-600 रुपये के आसपास भी प्रॉफिट आने देते हैं, क्योंकि इससे कम क्या ही प्रॉफिट बुक करेंगे। दो लॉट है तो दो लॉट में तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी होना चाहिए उस हिसाब का। देखो यहाँ से जा रहा है, नीचे तो जा रहा है, ट्राई तो कर रहा है, एक बार अच्छा खासा स्पाइक लगेगा और जाएगा, ये 100% जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना है ना, थोड़ा ना थोड़ा तो पुल बैक लेगा ही नीचे की तरफ, इतना बड़ा ये यहाँ तक तो आएगा ही ट्रेड लाइन के आसपास। यही देख के यहाँ पर ट्रेड मैंने बनाया है, छोटा प्रीमियम था इसलिए मैंने ट्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, और कोई बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं था इसीलिए। 12 रुपये पे प्रीमियम आ चुका है, दो लॉट में यहाँ पे ऐड करूँगा, अभी दो लॉट मैंने और ऐड कर लिया यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या होता है। टोटल 4 लॉट हो चुका है, अभी 10 रुपये या 9 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो कि हमने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक रुक के चलने लगा है, तो मैंने मोबाइल में जो अपना रिकॉर्ड किया था वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप बीच में देखना, मैंने बीच में उसको ऐड कर दिया है। जैसे कॉल साइड स्पाइक लगा ना, उस तरीके का एक स्पाइक लगा दे तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं जा रहा है, फंसा रहा है ये। नहीं जाएगा ये, 3 बार मौका दे दिया मेरे को कि निकल जाओ बेटा, और मुझे निकलना पड़ेगा अब। देखो अब ये लॉस दे देगा, अब ये लॉस दे देगा, फिर से ग्रीन बना, हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं 1155 का। नहीं जा रहा है, चौदह रुपये के आसपास जा रहा है, फिर उससे नीचे आ जा रहा है। चलो प्लस में तो थोड़ा सा दिखा था अभी, चलो निकला, थोड़ा सा निकला, 1 रुपये के आसपास निकला था, लेकिन फिर से पीछे आ गया ये। जब हम 20 रुपये भी जाए तो उसको बुक किया जाए, 20 के आसपास भी जाएगा तब तो नहीं जा रहा है यार, ये जा ही नहीं रहा है। चलो निकला, थोड़ा सा और निकलता ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, देखता हूँ क्या करता है। अभी फिलहाल एनुअली एग्जिट करूँगा, नहीं तो
नहीं जाने वाला यार, पता नहीं क्या कर रहा है। रिजेक्शन लग गया है ना, दिक्कत ये है देखो, यहाँ से रिजेक्शन लग गया है, इसी वजह से नहीं जा रहा है। देखो रिजेक्शन लग गया है, अब ये नहीं जाएगा। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो कि हमने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, आधा अधूरा हुआ है और पता नहीं क्या उसमें लैग हुआ है, ग्लिच हुआ है कि वो बार बार रुक रुक के चलने लगा है। तो ये मोबाइल से मैंने जो रिकॉर्ड किया था वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल जो हमारा ट्रेड चल रहा था, अभी थोड़ा बहुत इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। काफ़ी देर से ये जो हमारा प्रीमियम है लगभग 11.5 रुपये के आसपास आ गया था, मैंने वहीं पर 2 लॉट और ऐड कर लिया था, टोटल 4 लॉट हो चुका था। और अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो इसमें इसका स्टॉप लॉस रखा था लगभग 10 रुपये के आसपास रखा था, तो वो 11 के आसपास ही गया था और 10 तक नहीं गया था, तो इसलिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अभी देख सकते हो कि अभी मेरे ये बिल्कुल कॉस्ट पे आ चुका है और इसमें वेट करते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है। अभी एग्जैक्ट एकदम कॉस्ट पे चल रहा है और इतने देर से हम लोगों ने लगभग 40 मिनट तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था। चलिए फिलहाल देखते हैं अभी हम लोग को प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। 4 लॉट है तो देखेंगे, प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। और काफ़ी परेशानी हो गई है मुझे, दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ गया है क्योंकि मैंने जो पूरा रिकॉर्ड किया था वीडियो लगभग 40-50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो आधा अधूरा ही चल रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच हो गया OBS में। आप लोग को कोई कुछ पता हो इसके बारे में, OBS के बारे में, तो ज़रूर से बताइएगा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ हो चुका है ये चीज़ और आज फिर से हुआ है। और ये बहुत बड़ा वीडियो मैंने बनाया था, अभी देख सकते हो कि अभी थोड़ा बहुत प्लस में हम लोग आ गए हैं, लगभग 150 रुपये के आसपास प्लस में आ चुके हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा जो मार्केट है मोमेंट देना स्टार्ट किया है और इस ट्रेड का लॉजिक मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप लोगों को पता ही होगा मैंने क्यों ये ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा ये डाउनफॉल आया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, इसीलिए मुझे बहुत देर तक होल्ड करना पड़ गया है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, 400-500 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा वेट करेंगे, इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे क्योंकि हम लोग 4 लॉट है तो थोड़ा सा टारगेट भी बड़ा रहेगा। लगभग फिर से हमारा प्रॉफिट कम गया, लगभग फिर से 500 रुपये के आसपास आ चुका है, देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तभी हम लेके निकलेंगे, नहीं तो फिर छोटा सा प्रॉफिट लेकर नहीं निकलेंगे। अभी भी 500 रुपये के आसपास चल रहा है, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हटा दिया है क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब भी लगाता हूँ तो प्रॉफिट छोटा बुक होता है, बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक होता है। मैं मोबाइल से मैन्युअली इसको एग्जिट करूँगा, तो फिलहाल देख सकते हो कि अभी 400 के आसपास फिर से प्रॉफिट आ गया, फिर से प्रॉफिट हमारा कम गया और हमारा जो एवरेज प्राइस है लगभग 14 रुपये के आसपास हो गया। जब मैंने 2 लॉट बढ़ाया था ना एक्स्ट्रा, तब ये 14 रुपये के आसपास हो गया, पहले 17 रुपये समथिंग का हमारा एवरेज प्राइस था, तो अभी फिलहाल हमारा 14 रुपये हो गया। देखते हैं अभी भी 500-550-600 रुपये के आसपास, 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ था, तो इसको हम बुक करने का ट्राई करेंगे। चलिए हमने फाइनली इसको बुक कर लिया है, देखते हैं कितना पे बुक हुआ है। लगभग हमारा इसमें बुक हुआ है 747 रुपये के आसपास बुक हुआ है, तो चलिए आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारा जो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुका है। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो कि मैंने फाइनली अपना जो प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था इस ट्रेड में, वीडियो अचानक से रुक गया था, रुक रुक के चलने लगा था, इसी वजह से मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने 747 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, ऊपर में अभी देख सकते हो कि 747 रुपये इसमें बुक हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि मैंने 2 लॉट और ऐड कर लिया था, टोटल 4 लॉट हो गया था और ये जो मैंने इसमें जो एवरेज प्राइस हो गया था 14 रुपये के समथिंग हो गया था, 14.53 रुपये, और जो इसको मैंने सेल किया था 19.20 रुपये के आसपास, जो टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ था इसमें लगभग 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट आ रहा था, 900 समथिंग आ रहा था। मैंने जब बुक किया तो 747 रुपये ही बुक हुआ, 1000 रुपये मैंने बुक करने का ट्राई किया था लेकिन बुक थोड़ा सा कम हुआ और इसको मैंने मैन्युअली फ़ोन से ही बुक किया था। इस वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जो भी रिकॉर्ड हुआ थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखा दूंगा, और क्योंकि वीडियो रुक रुक के चलने लगा था उसी वजह से मैंने जो फ़ोन में रिकॉर्ड किया वही आप लोग को दिखा रहा हूँ, फोन में जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है। तो फिलहाल आपने देखा मैंने एक ट्रेड में जो भी प्रॉफिट किया है और देखते हैं दूसरा ट्रेड अगर कोई मिलेगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो अब दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि पहले ट्रेड में हम लोग को प्रॉफिट हो चुका है, तो क्योंकि मार्केट देख रहे हो मार्केट का जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं दूसरा ट्रेड मिलेगा तभी हम लोग करेंगे। तो गाइस फाइनली मेरा आज का दिन कंप्लीट हो चुका है और आज मैंने एक ही ट्रेड किया है और दूसरा ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि जो वीडियो मेरा रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाया, उसी को ठीक करते करते मेरा जो टाइम निकल गया और दूसरा ट्रेड मैं नहीं ले पाया। एक ही ट्रेड लिया हूं, जैसा कि आप देख सकते हो फिर निफ्टी में लिया था, 4 लॉट से मैंने लिया था, लगभग 747 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया हूं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा फ्री टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोगों ने कोई डीमैट अकाउंट डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग मेरे लिंक से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।